JPL नहीं होता तो मैं आगे की पढ़ाई थोड़ा मुश्किल हो जाता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चाहत थी कि ऐसे शोषण विहीन समाज की स्थापना की जाए जिसमें हर व्यक्ति शिक्षित हो। ऐसी ही सोच JSPL फाउंडेशन की भी है। JSPL फाउंडेशन सावित्री जिंदल स्कॉलरशिप योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षित कर रहा है, लेकिन खास बात यह है कि सावित्री जिंदल स्कॉलरशिप योजना के तहत विधवाओं के बच्चों को भी पढ़ने लिखने में मदद दी जा रही है। जिंदल तरफ ले पैसा मिला थे तो मोर बाल बच्चा ला पढ़ात हूँ, बाल बच्चा ला पढ़ात हूँ, पोषण पालन करे बर आदमी नहीं घर में, तब वो तरफ ले मिला थे पैसा, तब बच्ची ला पढ़ा सकत हूँ। पति की मौत के बाद जमुना देवी की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। ऐसे में घरेलू खर्चों के साथ बच्चों की पढ़ाई जारी रखना असंभव सा था। सबसे मुश्किल दौर में जमुना देवी का साथ दिया JSPL फाउंडेशन ने। इस स्कॉलरशिप के तहत जमुना देवी की बेटी रजनी को आर्थिक मदद दी जाने लगी। JPL से हमें छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है, जिसकी सहायता से मैं स्कूल पढ़ने के लिए सहायता हो जा रही है। लड़की पढ़ लिख के बने कुछ नौकरी चाकरी करे, मोला भी पोषण पालन करे, बड़ कष्ट में पोसे हूँ बाल बच्चा ला। रजनी को JSPL फाउंडेशन का सहारा मिला तो पढ़ाई में भी मन लगने लगा। आत्मविश्वास से भरी रजनी पढ़ लिख कर अपनी माँ के सपनों को पूरा करना चाहती है। JSPL फाउंडेशन ने सावित्री जिंदल स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत लुम्बा फाउंडेशन के साथ मिलकर 2012 में की थी। इस योजना के तहत अब तक करीब 200 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। JSPL फाउंडेशन की इस पहल से मासूम बच्चे अपने भविष्य के सपनों को नई उड़ान देने लगे हैं। रायगढ़ से अपने सहयोगी जानसार हुसैन के साथ फ्रैंकलिन निगम, फोकस न्यूज़।